मैं हूं तनु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेड पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलिए आज हम इसी से कुछ बना लेते हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक प्याज ली हूँ और एक टीस्पून यहाँ पे मैं ली हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, और एक कप मैं यहाँ पे ली हूँ सूजी, और ये मार्केट का मैं यहाँ पे दही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे गाजर बारीक काट के रखी हुई हूँ। तो चलिए हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड को मिक्सर में हम पहले पीस लेंगे। सारी चीज़ें से मैं डाल दे रही हूँ। मैंने जो काटा था, एक मैं यहाँ पे आधा गाजर और यहाँ पे एक प्याज जो काटी थी, और एक कप मैं यहाँ पे सूजी यूज़ कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अनार के दाने। चलिए यहीं पे हम डाल देंगे दही। मैं सारी यहाँ पे दही डाल दूँगी। थोड़ा सा अनार बच गया था, मैं ऊपर से अनार को डाल दी हूँ। तो चलिए अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। तो चलिए पेस्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे हम चारों साइड फैला लेंगे। इसे हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो चलिए इसे हम आराम से डाल देंगे और इसे हम एक बार हल्के हाथों से फैला देंगे, और इसे हम लो फ्लेम में पकाएंगे क्योंकि बैटर हमारा पतला है, जले नहीं, और इसे हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और बीच में हमें इसे चेक भी करना है। तो चलिए हम इसे अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, नीचे से लग रहा है कि हमारे ये पक गए हैं। तो चलिए इसे हम हल्के हाथों से चारों साइड एक बार हम ऐसे आराम से चलाएंगे जिससे ये हमारे ब्रेड फटे नहीं, और इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे, फिर हम इसको वापस नीचे साइड पकाएंगे। चलिए इसे हम पहले एक प्लेट में पलटेंगे, फिर इसे हम वापस वो करेंगे। तो ये देखिए, चलिए अब हम दूसरे साइड भी इसे पलटेंगे। तो चलिए अभी हम इसे प्लेट से हम इसे दूसरे साइड भी डाल देंगे, और इसे हम हल्का ऊपर से हम इसमें ऑयल लगा देंगे चारों साइड, और इसे हम वापस 2 से 3 मिनट ढक के हम इसे पकाएंगे। चलिए इसे हम वापस चेक कर ले रहे हैं। इसे हम हल्के हल्के हाथों से हम चारों साइड से एक बार ऐसे घुमा लेंगे। तो ये देखिए, अभी हमारे एक साइड ये हल्के से कच्चे हैं, तो अभी हम इसे ऐसे ही पकाएंगे बिना ढक के। तो चलिए पहले हमारे एक साइड पक जाए, फिर हम इसे पलट लेंगे वापस। आप इसे इवनिंग में एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए। नाश्ते में चाय के साथ भी आप इसे सॉस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर में अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में हमारे ब्रेड पड़े रहते हैं और हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम इसे वापस एक बार पलट लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे ब्रेड पराठे कितने अच्छे से पक गए हैं। लो कर दी हूँ, हम इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। तो पराठे हमारे बन गए हैं। चलिए गैस को मैं ऑफ करती हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पराठे बिल्कुल बन गए हैं ब्रेड के, और आप इसे सॉस के साथ, चाय के साथ ले सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।